स्कूली छात्रा पार्थवी ने बताया कि आज यहाँ योग प्रतियोगिता हो रही है। उन्होंने बताया कि योग अवश्य हो गया है क्योंकि योग हमारा जीवन स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। हम नियमित रूप से स्कूल में योग करते हैं। नियमित रूप से योग करने वाले को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गांव में भी लोग योग के प्रति सजग रहते हैं। वहीं सावी मेहता ने बताया कि यहाँ योग प्रतियोगिता हो रही है। योग हमारी सेहत के लिए जरूरी है और आज के दिनों में योग अपना महत्व रखता है। नीतू ने बताया कि स्कूली छात्र छात्राओं की योग प्रतियोगिता में वे हिस्सा लेने आई हैं। गांव में भी योग सिखाती हैं। स्कूलों में वे नियमित रूप से योग करते हैं। योग से मन और शरीर के अलावा दिन भी स्वस्थ गुजरता है। सोलन में जिला भाजपा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंदर परिहार भी उपस्थित रहे। राजेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस खबर से सोलन भाजपा कार्यकर्ता खुश हैं और उनका सीना चौड़ा हुआ है। राजेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने अपना सफर एबीवीपी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आज उनके कार्य और कर्मठता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष पद से नवाजा गया है, जिसकी वजह से आज भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी फक्र महसूस कर रहा है और उनका मनोबल भी ऊंचा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से नड्डा ने विधायक, मंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में सराहनीय भूमिकाएं निभाई हैं, वे इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे और संगठन को और मजबूत कर हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। हिमाचल में शिक्षा के नाम पर सरेआम लूट हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, शिकायतें जाने पर भी न जाने क्यों खामोश दिखाई देती हैं। इसका जीता जाता उदाहरण सोलन का महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जहां डॉक्टर बनाने के लिए 4.5 वर्ष लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि यहां विद्यार्थियों की शिक्षा 6-6 वर्षों तक अलग अलग कारणों से चलाई जाती है और उन्हें अपने विश्वविद्यालय में ही इंटर्नशिप करने के लिए बाध्य भी किया जाता है, जिसकी वजह से एक विद्यार्थी को करीब 15 लाख का चूना लगाया जाता है। इस विश्वविद्यालय में करीब 45 विद्यार्थी MBBS कर रहे हैं और करीब सभी की व्यवस्था एक सी है। इन सभी विद्यार्थियों में MBBS कर चुकी अलका कटारिया ने विश्वविद्यालय की शिकायत PMO ऑफिस से भी की, जिसकी वजह से अब विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच आरंभ हो चुकी है और विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं और अब वे अलका से इस बात को खत्म करने का दबाव भी बना रहे हैं। अलका ने बताया कि वे मन बना चुकी हैं कि वे किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देंगी, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोला है और वे उन सब आंसुओं का हिसाब लेना चाहती हैं जो आंसू उनके माता पिता ने उनकी फीस देते समय बहाए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर विद्यार्थियों की एब्सेंट लगाकर उन्हें एक्सटेंशन देते रहते हैं, जिसकी वजह से करीब सभी विद्यार्थी जिनकी शिक्षा 4.5 वर्ष में पूरी होनी थी 5-6 वर्ष में पूरी होती है, जिसके लिए उन्हें भारी फीस भी अदा करनी पड़ती है। वे चाहती हैं कि PMO ऑफिस इसकी जाँच जल्द से जल्द पूरी करे। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय सिंगल का कहना है कि उनके संस्थान में नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है और किसी भी विद्यार्थी से जबरदस्ती नहीं की जाती है।
सोलन सिरमौर के लहसुन की पूरे भारत वर्ष में बेहद मांग रहती है। यहाँ का लहसुन खुशबूदार और स्वाद में बेहद अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि सोलन की सब्जी मंडी में भारतवर्ष के व्यापारी आने को मजबूर हो जाते हैं। इस बात की खास बात यह है कि किसानों को उनकी फसल के दाम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सोलन का किसान बेहद खुश है। एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन और सिरमौर जिला में 22,000 हेक्टेयर पर करीबन 57,000 किसान लहसुन की खेती करते हैं। इस बार लहसुन के दाम शुरुआत में 65 रुपए किलो मिले थे, लेकिन आज किसानों को 125 रुपए किलो तक रेट मिल रहा है। यही वजह है कि सफेद लहसुन की वजह से किसानों के चेहरे आज लाल नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के लहसुन की मांगे बेहद ज्यादा है, जिसकी कई वजह है। पहले ये कि फीकी ने भी अपनी रिपोर्ट में सोलन के लहसुन को देश में अव्वल बताया है। दूसरी वजह ये है कि सोलन का लहसुन स्वाद है, बेहतर है और ग्रेड में भी बेहद अच्छा है। और तीसरी वजह है कि इस बार चाइना से लहसुन आयात नहीं किया गया, जिसकी वजह से सोलन के लहसुन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। सोलन में बारिश के नाम पर बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन जमकर बारिश नहीं हो रही है। ऐसा लगता है मानो सोलन के किसानों से जैसे इंद्र देवता रूठे हुए हैं, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़नी आरंभ हो चुकी हैं। खेतों में सिंचाई के टैंक सूखे पड़े हैं और खेतों में फसल सूखने की कगार पर है। अब किसानों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसान अपने खेतों में सिंचाई करें तो कैसे करें। अब वे कुल मिलाकर बारिश के ऊपर ही निर्भर हैं। अगर बारिश होती है तो उनकी सूखती फसल को कुछ राहत मिल सकती है, अन्यथा इस बार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि बारिश न होने की सूरत में उनकी फसल सूख सकती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सोलन का किसान पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है और उसके परिवार का खर्चा कृषि की आमदनी से ही चलता है। अगर उन्हें इसमें हानि होती है तो उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सोलन में बादल तो छाते हैं, लेकिन बिना बारिश किए ही वे उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की भारी कमी हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे खेतों के पास बोरिंग करवाकर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाए, अन्यथा जैसी गर्मी सोलन में पड़ रही है उसकी वजह से उनके खेत बिना पानी के सूखते जा रहे हैं।